जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी स्टार्ट करना है, ठीक है? आपने सोच लिया कि आपको एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है एंड आप उस कंपनी में इतना पैसा लगाना चाहते हो, इतने टाइम के लिए आप इस एरिया में इसको चलाओ, ठीक है? तो अब जब आपने उस चीज को सोच लिया, आपने उस बिजनेस के लिए परमिशन ले लिया, सबसे पहली चीज जो आपकी कंपनी से रिलेटेड फर्स्ट सर्टिफिकेट जो बनता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? एमओए जो होता है कंपनी का पहला सर्टिफिकेट होता है, विदाउट एमओए आप कभी भी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। इसके अंदर आपकी कंपनी की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स आपकी कंपनी का नाम, पब्लिक है या प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? आपकी कंपनी का ऑनर कौन है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कितने कितने पैसे में आपने कंपनी स्टार्ट की है, वो सब चीजें एमओए के अंदर होती है, ठीक है? अगर आपको चाहे पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है चाहे प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है, फर्स्टली यू शुड हैव टू मेक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर करवाते हो। सिग्नेचर करवाने के बाद में फिर इस एमओए को हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस भेजते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ पॉइंट एमओए का? यस मैम। ऑलराइट, अब आगे अगर बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, सबसे पहली चीज बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। सबसे पहले हमें यही करना पड़ता है, इट डिस्प्ले अ क्लियर पिक्चर, एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर देता है आपको। सेकेंडली मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है? आपको जानकारी मिलती है, आपकी कंपनी की बेसिक जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। शेयर होल्डर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। फॉर्मेट की बात करें तो मेन पांच चीजें हैं, ठीक है? अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो पांच चीजें हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती हैं। पहला है नेम क्लॉज, जिसके अंदर आपकी कंपनी का नाम लिखा जाता है, ठीक है? नेम ऑफ योर कंपनी, ईदर इट्स प्राइवेट और पब्लिक, हर चीज प्रॉपरली नेम क्लॉज के अंदर मेंशन होगी, वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो स्पेलिंग है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और बाकी लोग कुछ और समझ लेते हैं। जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेलिंग लिख दिए जाएंगे वही आपकी कंपनी का नाम होगा, ठीक है? सेकेंड इज रजिस्ट्रार्स ऑफिस क्लॉज, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं हमने अपनी कंपनी को किस रजिस्ट्रार ऑफिस में, किस एरिया में स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? वो सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मुझे चीज बताओ। नॉर्मली बेसिकली अगर हम बात करें, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, समथिंग कुछ सामान ऐसा कुछ नहीं बच्चे, ऑब्जेक्टिव इज आपका मेन मोटिव क्या है, ठीक है? आपका, आपने जो कंपनी स्टार्ट की है उसे स्टार्ट करने के लिए आपका मेन मोटिव क्या है। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव भी लिखा जाता है कि आपने कंपनी को किस मोटिव से स्टार्ट किया है और आप इसे आगे किस मोटिव से चलाना चाहते हो। ऑब्वियसली सबका मेन मोटिव इज प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है? वो चीज भी इसके अंदर लिखी होती है। थर्ड सॉरी फोर्थ है इसके अंदर लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर लिखा जाता है कि हमारी जो हमने हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं, हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है? वो सब चीजें लिखी जाती है। और लास्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा जाता है कि हमने कितने अमाउंट से अपनी कंपनी स्टार्ट की है, द इनिशियल अमाउंट विद व्हाट वी हैव स्टार्टेड आवर कंपनी, ठीक है? चाहे मैंने 20,000 से शुरू किया चाहे 10,000 से, मैं अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस चीज को मेंशन करूंगी कि मैंने इतने अमाउंट से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। बस ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट? ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज बेसिकली, ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? आप अगर एज अ पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बनाया गया था ताकि कोई कंपनी किसी नॉर्मल पर्सन के साथ में बुरा या फिर कुछ गलत नहीं कर पाए।
any person who enters into a contract with company shall ensure that the transaction is authorized by article and memorandum of association. जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये चीज बोलती हूँ, जो भी चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है उससे एक्स्ट्रा कुछ भी कंपनी नहीं कर सकती. ठीक है, कंपनी ने लिखा कि हम अपने 20,000 से ज्यादा के शेयर किसी भी शेयर होल्डर को नहीं दे सकते. ठीक है, और नियम ने एक कंपनी उसी कंपनी के 30,000 के शेयर्स खरीद लिए. आपके साथ उस टाइम पे धोखा हुआ होगा क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज पहले लिखी हुई है कि 20,000 से ऊपर के शेयर कोई खरीद नहीं सकता. आपको 10,000 के एक्स्ट्रा शेयर्स बेच दिए उस कंपनी ने, और अब अगर आप उनके ऊपर केस करेंगे तो फिर वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर आएगा. क्लियर हुआ? यस मैम. ओके, और कोई डाउट था किसी को? नहीं.